पे सोच के मैं ब्रीडिंग पे काम किया, और ब्रीडिंग पे मैं सभी पशुपालक जो भी नए साथी हैं उनसे यही कहूँगा कि ब्रीडिंग का चुनाव करना पड़ेगा। जिस तरह हम अगर अपने खेत के अंदर अगर बीज अच्छा बोते बीज बोते हैं या उसकी निराई गुड़ाई अच्छी करते हैं या पहले बांध तैयार करते हैं, वो तो अपना पशु का रख रखाव उसको क्या डालना वो चीज़, लेकिन उतना ही उससे ज़्यादा अहमियत है अच्छे बीज को चुनना। और अच्छा बीज पैटेगरी देख के नहीं करना, प्रोजनी देख के करना भाई। हाँ जी, क्योंकि पैटेगरी भी कई बार ख़राब है, फैल चली जाती है, जिस बुल की चाहे वो प्राइवेट का भी हो और सरकारी चाहे हो सरकारी का भी हो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी माँ का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बहनों का कैसा है, उसकी बेटियों का कैसा आ रहा है, और वो क्या हमें दे रहा है, और हमारे क्या क्या हमारे पशु के अंदर कमी है, और उस कमी को कौन सा बुल दूर करेगा, ये सोच समझ के ये नहीं डाल लगाना भाई। सीव ने ये लगा दिया या दूसरे भाई ने कोई ब्रीडर ने ये लगा दिया, हमें भी वो लगाना है। जी नहीं, जी। हमें पहले अपने पशु की कमी देख के ना उस बुल का चुनाव करके तो भाई हमें दो पैसे मिल सके। और साथ साथ में पहली प्राथमिकता मैं दूंगा दूध को, उसके बाद ब्यूटी बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आज मान लिया किसी फार्मर के पास 5 पशु रखने की जगह है और 5 भैंसे ले रहा है, 5 से 5 बच्चे भी पैदा हो गए। हाँ जी, 3 2 कटड़े दे दी, 3 कटड़े दे दी, फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे तो उस फार्मर को वो सेल भी तो करनी पड़ेगा ना। हाँ जी, और सेल किस बेस पे होता है? ब्यूटी सुंदरता और दूध दोनों चाहिए। ब्यूटी से होता है। हाँ जी, क्योंकि आप पशु भी जहाँ भी ले आएंगे ना तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर अगर देख के दूध बाद में देखें, पहला उसका ये देखेंगे सुंदरता कैसी है, भैया दूध देने वाली है कि ना है। तो अगर उसमें अच्छी चीज होगी ना, जिस तरह एक जोटी से ला लो, अगर एक जोटी 14-15 किलो की सुंदर जोटी है वो 2-2.5 लाख तक चली जाती है, और एक 17-18 किलो की कोई छोला है वो 1.5-1.5 लाख रुपए लग रहे हैं। तो ब्यूटी तो जरूरी है, तो दोनों चीजें जरूरी, अकेली ब्यूटी भी नहीं भाई, देखो। हाँ जी, दोनों चीजें जरूरी, उसका कॉम्बिनेशन सोच समझ के। अगर भाई देखो आज तो पढ़े लिखे हो गए, सोशल मीडिया जमाना हो गया, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे भी यही सारा भाई देखो, वहाँ भी सोच समझ के थे चुनना, वहाँ भी कुछ भ्रमित तो उसका हाँ पा। हाँ जी, लेकिन उसका चुनाव कराएंगे तो अच्छा कराएंगे अपने फिर। तो अभी आपके पास आई ज्यादा दूध की कितने पशु हैं जी? भाई मेरे पास फर्स्ट टाइमर से लेके तीसरे चौथे भैंस की है, मान लिया 12-13 से लेके ना, और 20-22 लाख की भैंस है। तो अपने श्याम बाड़े के बुल के कटड़ियाँ जोटियाँ? हाँ, जोटियाँ मेरी जोटी 12-13 से लेके ना 16-17 लग गई है, इनकी लाइव मिल्किंग करवाई पहले ब्यांत में। और सेकंड दो एक जोटी तो मैंने सेकंड की लाई करवाई थी, उसने 19 किलो निकाला था। हाँ जी, और एक मेरे गांव में अभी तक सेकंड ब्यांत में 2 ही जोटियाँ आई है श्याम बाड़के की, एक कुलदीप रेड्डू है उसके पास ब्यारी है, वो भी कोशिश कर रहा है भाई या लाइव करवाओ या HLDB में रिकॉर्ड करवाओ। तो आपकी इस भैंस ने कितना दूध पीक टाइम पे चौथे पाँचवें ब्यांत में इस टाइम पे? भाई इसका पीक तीसरे ब्यांत का 26+ है। हाँ जी, और NDDP का इसका 5913 किलो। तो ये भी हरियाणा के जो पहले बुल पालक है जिसने पहले प्रोजनी दिखाई बाद में सीमन पे बुल को लेकर के आए। भाई अपनी कोशिश यही थी, देखो भाई जिस तरह मैं नुकसान किसी किसान का नुकसान तो ना हो, किसी यही था कि भाई अपनी कम से कम प्रोजनी लें, प्रोजनी को अजमास के देखा भाई ये कामयाब होगी ना होगी। तो परमात्मा की दया से भाई अभी तक जो भी बच्चे आ रहे हैं, ब्यूटी में भी शानदार आ रही है, दूध पे भी अच्छे आ रही है, और जितना लंबा समय गुजरता जाएगा भाई समय के साथ साथ और भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। अभी शाम बड़ा क्या सीमन बैंक में गया जी, और बाकी जो प्रोजनी है थोड़ी सी वो और दिखाई आप। ये है मेरी चौथी पीढ़ी भाई। अच्छा जी, चौथी पीढ़ी अब प्रेग्नेंट करवाऊंगा मैं, लिया एक दो इसकी AI करवा ली भाई, आज भी हीट में है, कई बार नहीं कंसीव करी तो आज फिर करवाऊंगा इसने, या जो इसकी बेटी है ना शाम से पहले ब्याह थी उसकी भी ज्योति है। ठीक है जी, उसकी बेटी की बेटी है, यानी चौथी पीढ़ी यही आ गई मेरे पास, और मेरी बुल की सबसे पहला बच्चा ये है, ये खीरी ने 12 किलो 670 ग्राम दूध निकाला था, और 19 किलो सेकंड ब्यांत में या 19 पे चली गई थी। ये भी अब ये ड्राई फीड में है, थोड़ा थोड़ा दूध दे रही है, 4-5 किलो। कितने महीने ड्राई की जी आपने? अभी तो दूध देने लगे, ड्राई का मान लिया लास्ट स्टेज पे चल रही है। ये अपनी उम्मीद है जिसने 17.5 किलो दूध निकाला था। अब एक तो सर्दी का भी मौसम है, ड्राई में ओके ने जिस तरह ये दूध से बंद होगी तब शरीर बनाओगी, अब तो इनकी कंडीशन ही बदल चुकी है। हाँ जी, और ये देखो छोटे काफ भी मेरे पास, ये देखो ये ज्योति आ गई अपने शाम की,
ये मलिया तीसरी पीढ़ी पे शाम भी जा चुका है, बूढ़ी भैंस चौथी पीढ़ी पे गई है और शाम तीसरी पीढ़ी पे गया। अभी शाम वाले बच्चों पे कौन सा बुल यूज करें जी आप? भाई देखो अलग अलग देखने पड़ेंगे, वो वही भी तो बात होगी ना। मैं तो मेरे को मुश्किल हो रही है आज, भाई मैं क्या लगाऊं कौन सा लगाऊं, तो वो सोच समझ के लगाना पड़ा। भी झोटी आई है तो एक ही भैंस रहेगी जिससे मैं अपने बुल का रिजल्ट ले सकूं, बाकी तो कोई दोती है कोई बणजी है। ये देखो श्याम की बणजी और नानी ज्योति की इकट्ठी लाई मिल्किंग कराई थी, ये फर्स्ट टाइमर झोटी है और ये पीसी 427 की बेटी है, 15.5 किलो दूध निकलेगा इसने और फैट भी अच्छी रहेगी थी इसकी, 86 फैट रहेगी थी, काफी बढ़िया बनी है जी। देखो ये ऑर्डर क्वालिटी जो आपकी नानी के लिए रही ना, क्योंकि लंबा थन नहीं कामयाब होगा। लंबा थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबा थन जल्दी डिफेक्ट हो जाएगा भाई, तो डिफेक्ट थन अगर पशु का हो गया तो पशु फैल हो जाएगा भाई। हाँ जी जी। और एक ये देखो भाई, ये इस झोटी की, ये श्याम की बेटी है, इस कटिया पे बहुत उम्मीद है भाई, क्योंकि ये इसकी 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है मेरे पास, फादर साइड से भी और मदर साइड से भी। और बच्चे तार किस तरीके से करते हैं जब एक से एक अच्छी झोटी आपने तैयार करी है? मां का दूध है भाई। कितने दिन तक पिलाएं, कितना पिलाएं भाई? कम से कम तो 2 महीने तो मलिया नुए कौन देखते यो कितना पी हुआ है, खुद चिक्कर है वो चीज करनी पड़ेगी अगर बच्चा तैयार करना है जल्दी, क्योंकि देखो एक तो आप 4 साल में अपना पशु भी आवा और एक 2.5 साल में 1.5 साल में वो उसकी अगर घास की भी कॉस्ट लगावानी उसकी बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। अगर आप 3-4 महीने अच्छा उसमें दूध पिला दोगे फिर उस पर दाना पा जाएगा तो अपना 1-1.5 साल बचा देगा। तो दाने में क्या खिलाते हैं जी? घाटे का सौदा नहीं है, वो मुनाफे का ही सौदा है। और देखो CRBI भी फेल हो चुकी है, उन्होंने भी HF की तरह, वहाँ भी मैं जाता रहता हूँ, डॉक्टरों ने बताया था HF की तरह अपना प्रोजेक्ट बनाया था कि उन्होंने 3 दिन की या 7 दिन की कटिया अपने माँ से अलग कर ली थी। तो माँ से अलग कर ली तो उनकी ग्रोथ नहीं पड़ पाई और दूध में भी डाउन रही वो और ग्रोथ में भी डाउन रही। अगर भैंस का दूध भी लेना है ना, ये नहीं भाई किसी भी बुल का अगर सीमन लगा दिया भाई फलाने का सीमन लगा था दूध क्यों नहीं आया, दूध भैया उसकी रख रखाव संभाल उसके ऊपर करता है। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइमर झोटिया पे कह देते हैं ना, फर्स्ट टाइमर झोटी ने कितना दूध निकाला, फर्स्ट टाइमर का ये मतलब नहीं होता, फर्स्ट टाइमर वो 2 दांत थी, फर्स्ट टाइमर वो 4 दांत थी, फर्स्ट टाइमर वो 6 दांत थी, तो इसी आधार पर उसका दूध होता है भाई। अगर अपना जल्दी करांगे तो दूध में भी ग्रोथ होगी और बॉडी में भी ग्रोथ होगी।